तीन साल पुराने अंधे कत्ल का हुआ खुलासा। ग्यारसपुर पुलिस की एक हफ्ते में दो बड़ी घटनाओं पर बड़ी कामयाबी। घटना को पूर्व में बताया गया था एक्सीडेंट से मृत्यु होना। पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, मृतक के शरीर पर मारपीट के निशान मिले। एसपी विदिशा एवं उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ग्यारसपुर पुलिस की कार्रवाई। जी हां, ग्यारसपुर थाना में तीन वर्ष पूर्व एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी में काम कर रहे वालेंद्र वैस की मौत को डंपर से एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन पीएम रिपोर्ट में चोटों के निशान मिले, जिस पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाशी के लिए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक आकांक्षा जैन एवं वर्तमान में ग्यारसपुर थाने में पदस्थ थाना प्रभारी महेंद्र द्वारा मामले की छानबीन की गई और डंपर चालक कमलेश गिरी से पूछताछ की गई, तो कमलेश गिरी निवासी वेरखेड़ी थाना जेसी नगर उम्र 35 वर्ष ने बताया कि घटना दिनांक को मृतक बालेंद्र वैस को पोकलेन मशीन के ड्राइवर नीरज बुनकर, डंपर ड्राइवर संजय सेन, अशोक पाराशर द्वारा शराब के नशे में चक्कर भरने की बात पर से मारपीट कर जान से मारना बताया गया तथा सुपरवाइजर दिनेश ठाकुर व अन्य डंपर ड्राइवर राहुल पटेल द्वारा घटना को मारपीट न बताते हुए एक्सीडेंट बताने की योजना बनाकर पुलिस को गुमराह किया गया था। ग्यारसपुर से शुभम मिश्रा की एक रिपोर्ट। पुलिस की बड़ी कामयाबी, तीन वर्ष पुराने एक हत्या के मामले को आज पुलिस ने उजागर कर दिया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब मामला बताया जा रहा है कि तीन वर्ष पूर्व ग्यारसपुर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा था, जिस समय उसी समय ट्रक का एक पोकलाइन मशीन का एक ड्राइवर था जिसकी हत्या हुई थी और उसको एक्सीडेंटल बताया गया था। लेकिन जब पुलिस ने इसकी छानबीन की और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें इसकी हॉम जो अपनी शरीर में चोटों के निशान आए, जिससे कि लगा कि जिससे किसी ने मारपीट की, इसको पुलिस ने अपनी विवेचना में लिया और इसकी जाँच की तो पता चला कि इसको मारपीट के बाद इसकी हत्या की गई और इसको एक्सीडेंटल केस बनाया गया। इस बारे में आज पुलिस ने ग्यारसपुर के DI थाना प्रभारी महेंद्र ठाकुर द्वारा इस केस की विवेचना कर खुलासा किया गया, इसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब पूरा मामला क्या है इसे जानकारी ले। वर्ष 2017 में एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया था, जिसमें एक्सीडेंट में मृतक था वालेंद्र वैश्य करके, जो बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी में कहाँ है फोकलेन मशीन के हेल्पर का काम करता था, जिसका साक्षीगणों के द्वारा ये बताया गया था कि इसके डंपर से एक्सीडेंट हो जाने के कारण इसकी मौत हो गई, जिसमें मरण पंजीबद्ध किया गया था। लेकिन विवेचना के दौरान इसमें इस तथ्य आए थे कि उसकी जो मौत है वो एक्सीडेंट के द्वारा ना होकर मारपीट के द्वारा हुई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उसी विवेचना के चलते हुए कल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने है ना अपने जुर्म को स्वीकार किया है कि इसकी मौत एक्सीडेंट से ना होकर मारपीट के कारण हुई। जानकारी कैसे लग सकी कि इसकी मारपीट के द्वारा इसकी मौत हुई है? जी, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य सामने आया और मुखबिर के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमने पुनः दोबारा से सख्ती से पूछताछ की गई, तब जाके इसका खुलासा हुआ। तो किन किन धाराओं के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई? 302 की धारा प्रारंभ में इसमें इजाफा पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान इसमें 201 और 120B का इजाफा किया गया। तो ये घटना जो दो तीन वर्ष बाद उजागर हुई, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो उपस्थित मौके पर थे जो साक्षीगण, उन्होंने लिखे हुए साक्ष्य दिए, पुलिस को मतलब गुमराह किया और इसके कारण इसमें विलम्ब हो पाया।